जुगल किशोर शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, 1 लाख वोटों से आपने रमन भल्ला को पिछाड़ा है, जीत आपकी हो चुकी है, जीत जो है वो बीजेपी की हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? ऐसे है, ये जीत जो है वो जनता जनार्दन की जीत है, ये लोगों की जीत है और जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू रियासी के लोगों की जीत है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने लोगों की सेवा करने का मौका हमें तीसरी बार भी दिया, और लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अपना जो सेवा भाव से काम करने का एक बार फिर मुझे मौका दिया है, तीसरी बार यहां से जम्मू से सांसद बनने का मैं उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि आपके दुख सुख में आपके बीच रहकर आप लोगों की सेवा करेंगे। क्या कुछ प्रायोरिटी जो है वो आपकी रहने वाली है, क्या कुछ आम जनता के लिए जो है वो आप काम करने वाले? निश्चिंत रहें, अभी तो चुनाव के नतीजे ही आए हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों की सेवा का सेवा भाव से सेवा करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आम जनता ने बहुत प्यार दिया है आपको, 6 लाख वोट जो है वो आपको हासिल हुए हैं, 6 लाख से भी ज्यादा वोट आपको हासिल हुए हैं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जनता जनार्दन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए अपना जो मत है वो हमें दिया है। और उम्मीदें कितनी थी? नहीं, पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रहकर काम करती है और उनके दुख सुख में रहती है, और लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इन 10 सालों में सेवा भाव से और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की होना तय थी और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। रमन भल्ला जी को भी काफी वोट मिले, 5 लाख के करीब उन्हें भी वोट हासिल हुए, तगड़ा मुकाबला आपस में देखने नहीं, अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए, मुकाबला भी होना चाहिए, और उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, हमने अपने हिसाब से काम किया जी। और जनता ने फैसला दिया और जनता ने जो फैसला दिया वो श्रीमत है, और हम जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने तीसरी बार भी मुझ पर विश्वास करते हुए एक बार फिर जम्मू संसदीय क्षेत्र से मुझे सांसद के नाते जिताया है। मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। आम जनता असेंबली इलेक्शंस की वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कि वो कब होंगे, वो भी जल्द होंगे, लेकिन राज्य के दर्जे की बात करें कि राज्य के दर्जा जो है वो कितनी जल्दी बहाल किया? कुछ कार्य हैं जो जिनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास पूरा करेंगे। और रही बात प्रदेश के राज्य की, मतलब स्टेट के दर्जे की, वो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए काम करेगी। आखिरी सवाल, सुबह भी चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी, सुबह भी वो चेहरे पे जोश था और अभी भी वही जोश बरकरार है? ऐसा है, देखिए, ये जनता जनार्दन का ही सारा योगदान है, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा है। ये पहले से ही पता था कि जीत बीजेपी की होने वाली है? ऐसा है, देखिए, जब हम लोगों के बीच जा रहे थे, जनता जनार्दन के बीच थे, लोगों का उत्साह देखकर बनता था कि लोग इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और अभी अभी जो परिणाम आए हैं वो दिखाते हैं कि लोगों ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास प्रकट किया है। जुगल किशोर शर्मा जी से हमने बातचीत की, साफ तौर पर आपने सुना जो खुशी उनके चेहरे पे सुबह नजर आ रही थी, और वो खुशी जो है वो अभी भी बरकरार है, अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार जीत चुके हैं। और जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला की बात करें तो एक तगड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिला, जहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जो कि 6 लाख वोटों से जो है वो जीत चुके हैं, 6 लाख वोट उन्हें हासिल हुए हैं, और बीजेपी जो है वो जम्मू रियासी सीट की बात करें तो जीत हासिल कर चुकी है।